माओगंज में महादेवन मंदिर परिसर पर से अतिक्रमण हटाने के लिए बीजेपी विधायक अभी भी अड़े हुए हैं। कानून को हाथ में लेने वाले माओगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पुलिस गिरफ्त से निकलकर फिर अतिक्रमण हटाने के लिए देवरा गांव निकल गए थे, लेकिन कुछ घंटों में ही पुलिस ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया है। बीजेपी विधायक को पुलिस ने करीब 48 घंटों तक नजरबंद करके रखा था। आलाकमान ने मान मनोबल भी किया, लेकिन विधायक अपनी जिद पर अड़े रहे हैं। विधायक मंदिर की विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर माओगंज कूच कर ही गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। मामला वही अतिक्रमण हटाने वाला था जी। और प्रशासन ने जो अतिक्रमण 3 महीने पहले आश्वासन दिया था हटाने का, वो नहीं हटाए। उनकी गलती है, उस गलती को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए हिंदू समाज ने पत्र लिखा, धरने में बैठे, उसके बाद भी वो कार्यवाही नहीं किए, अमरण अनशन में बैठे, उसके बाद भी नहीं किए। और इसलिए अब ये मुझे अभी अज्ञातवास में पहले रीवा में रखे थे, अब अभी मैं आया हूँ फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मुझे फिर से गिरफ्तार करके पता चला कि आपको रिहा कर दिया गया है जमानत पर, फिर आपको कैसे गिरफ्तार किया गया? मैंने बोला था कि मैं मेरे को छोड़ोगे तो मैं आऊँगा कहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए, मैं फिर आया हूँ अपने वादे पर, मैं वापस आया हूँ। और वहाँ पे धारा 163 लगे होने के कारण मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार करके अब ये क्या करने वाले हैं? गौरतलब है कि 19 नवंबर को देवरा गांव में महादेवन मंदिर की विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था। विधायक प्रदीप पटेल ने कार्यकर्ताओं को अतिक्रमण हटाने का आह्वान किया था, जिससे पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए विधायक सहित करीब 30 प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हम इन विधर्मियों को हटा करके छोड़ेंगे, हम अपने मंदिर की जमीन को, मंदिर में मेला ग्राउंड की जमीन को ले करके रहेंगे, उसके लिए प्राण की बाजी भी लगाना पड़े। जिस तरह से कलेक्टर माओगंज द्वारा लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं को 12 की संख्या में गिरफ्तार कर उनको 151 के साथ जेल भेजा गया, उनको जमानत नहीं दी गई, इसको क्या कहेंगे? ये कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। ये कलेक्टर अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू समाज इकट्ठा होकर सबको सबक सिखाएगा। विधायक को भी 48 घंटों तक नजरबंद करके रखा गया था, लेकिन जैसे ही विधायक छूटे मंदिर की विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए फिर से निकल पड़े। लेकिन पुलिस ने अब फिर विधायक को कस्टडी में लेकर नए स्थान पर नजरबंद कर दिया है।